Hello students, today we will start ring homomorphism. First, we defined ring homomorphism. Okay, beta, let R and R dash be two rings. Okay, F mapping R to R dash is called ring homomorphism. Okay, if number one FA plus B equal to FA plus FB, you know AB belongs to R and the image of it FA FB belongs to R dash. Okay, second product FAB equal to FA into FB. So beta, R and R dash apnu two rings, F mapping FR to R dash is called ring homomorphism if number one condition FA plus B equal to FA plus FB, for AB belongs to R, FA FB belongs to R dash, and FAB equal to FA into FB. Beta, second epimorphism. बेटा एपिमोर्फिज्म इस दी की है बेटा मैपिंग आर एंड आर डैश आर रिंग आर टू आर डैश होमोमोर्फिज्म एंड ऑन टू जस्ट सब्जेक्टिव बेटा एफ आर टू आर डैश होमोमोर्फिज्म एंड की प्रूव कर दे बेटा पर ऑन टू. थर्ड मोनोमोर्फिज्म बेटा की प्रूव कर रहे अपने मोनोमोर्फिज्म बेटा एफ आर टू आर डैश होमोमोर्फिज्म एंड वन वन. फोर्थ ठीक है बेटा आइसोमोर्फिज्म आइसोमोर्फिज्म एफ आर टू आर डैश इज होमोमोर्फिज्म वन वन एंड ऑन टू. If function f r to r isomorphism to r, we say r isomorphic to r dash. Beta, the mapping is homomorphism one one and on two. We say r isomorphic ring r isomorphic to ring r dash. Next beta, ये है किसी beta पर भी isomorphism फिर endomorphism. बेटा मैपिंग एफ आर टू आर की प्रूव कर दे ओनली होमोमोर्फिज्म मींस पहला की सी बेटा आर टू आर डैश होमोमोर्फिज्म प्रूव कर दे जो दोनों कंडीशन ट्रू मींस ट्रू होन बट आर टू आर. ओके उसनु की बोल दे सेम रिंग बेटा आर टू आर की बोल दे बेटा होमोमोर्फिज्म. नेक्स्ट ऑटोमोर्फिज्म बेटा की है बेटा एफ आर टू आर डैश आर टू आर सॉरी होमोमोर्फिज्म वन वन एंड ऑन टू मींस आइसोमोर्फिज्म. सो उसमें की बोल दें बेटा अपना ऑटोमोर्फिज्म. क्लियर है बेटा. सो बेटा एसी डेफिनेशन रिंग होमोमोर्फिज्म एपिमोर्फिज्म मोनोमोर्फिज्म आइसोमोर्फिज्म एंडोमोर्फिज्म एंड ऑटोमोर्फिज्म. नेक्स्ट बेटा वी डिफाइंड some example we start some example beta and some results some theorems. First beta theorem ki hai theorem first let f r to r dash is a ring homomorphism. Ring homomorphism given hai beta apan ki prove karna then first एफ जीरो इक्वल टू जीरो प्रूव करना बेटा. ओके वी राइट एफ ए एफ ए प्लस जीरो बिकॉज एफ इज ए रिंग होमोमोर्फिज्म. रिंग होमोमोर्फिज्म की कंडीशन की सी बेटा एफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी. सो वी राइट एफ ए प्लस एफ जीरो. ओके सो वी राइट एफ ए
plus 0 equal to Fa plus F0. By left cancellation law, 0 equal to F0. So first beta, F0 equal to 0. Second kya beta, F minus A equal to minus Fa. Beta ye prove karna hai. Clearly A plus minus A. Okay, this one equal to 0. F A plus minus A equal to F 0 beta. F 0 apne prove karta kisde equal hai beta 0. Because F ki hai beta ring homomorphism. So F A plus F minus A equal to 0. So we say F minus A equal to minus F A. ओके बेटा फर्स्ट एफ जीरो इक्वल टू जीरो सेकंड एफ माइनस ए इक्वल टू माइनस एफ ऑफ ए थर्ड बेटा एफ ए माइनस बी इक्वल टू एफ ए माइनस एफ बी एफ ए माइनस बी एफ ए प्लस माइनस बी बिकॉज एफ की है पुत्र रिंग होमोमोर्फिज्म सो वी राइट एफ ए प्लस एफ माइनस बी बेटा एफ माइनस ए इक्वल टू माइनस एफ ए सो बी राइट सो बेटा एफ ए माइनस बी किस दे इक्वल हो गया बेटा एफ ए माइनस एफ बी नेक्स्ट बेटा डेफिनेशन ऑफ कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म बेटा नेक्स्ट अपन डिफाइन करांगे बेटा कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म कर्नल ऑफ होमोमोर्फिज्म ठीक है पुत्र एफ आर टू आर डैश आर एंड आर डैश की है बेटा यू नो रिंग इज ए रिंग होमोमोर्फिज्म ठीक है कर्नल एफ नो आप किमें डिफाइन करांगे बेटा दिस वन इक्वल टू आर आर किस च बिलोंग कर रहा है बेटा आर सच दैट एफ आर इक्वल टू जीरो इधर मीनिंग की है बेटा If FR equal to 0, R belongs to kernel of F. If R belongs to kernel of F, then image is 0. Because is the image होएगी बेटा किस चीज़ belong करेगी अब पहले R dash. Okay बेटा. Next theorem बेटा. आपने की prove करना बेटा theorem of the second. Let F R to R dash ring homomorphism to prove that kernel F is an ideal of R. बेटा मैं की प्रूव करना है कर्नल एफ नो आइडियल प्रूव करना है बेटा आइडियल की डेफिनेशन की सी आपने जैसी आई इज आइडियल ऑफ आर ए बी बिलोंग्स टू आई फर्स्ट ए माइनस बी बिलोंग्स टू आई आर ए बिलोंग्स टू आई और ए आर बिलोंग्स टू आई आर किस च बिलोंग करता सी बेटा आर दे विच आपने जैसी आई इज एन आइडियल ऑफ आर इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू फर्स्ट सेकंड सो वी प्रूव कर्नल एफ एन आइडियल ऑफ आर अपने प्रूव करना है कर्नल एफ की है बेटा आइडियल देखो रे आई नो आइडियल प्रूव करना सी ए माइनस बी बिलोंग्स टू आई सो फर्स्ट वी प्रूव बेटा मैं की प्रूव करना है मैं प्रूव करना है बेटा ए माइनस टू प्रूव लेट ए बी बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ सो बेटा एफ ए भी जीरो हो गए एफ बी भी जीरो हो गया बिकॉज जो एलिमेंट कर्नल एफ च है बेटा उसकी इमेज की होगी बेटा जीरो सो एफ ए भी जीरो एफ बी भी जीरो टू प्रूव की प्रूव करना ए माइनस बी बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ बेटा की दसो ए माइनस बी की जी अपने डिफरेंस है कर्नल एफ च कदों होएगा जे आप ये प्रूव करिए एफ ए माइनस बी इहदी इमेज की है बेटा जीरो जे मैं शो करदा इसकी इमेज जीरो है पुत्र देखियो बेटा जे एफ आर दी इमेज जीरो है देन आर किस बिलोंग करता है कर्नल एफ जिवें प्रूव करता एफ ए माइनस बी जीरो है
then we prove A minus B belongs to kernel of F. So F A minus B. बेटा लास्ट ईयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ एफ ए माइनस एफ बी बेटा ए बी ਕਿਸ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਨਲ ਐਫ एफ ए भी जीरो एफ बी भी जीरो दिस वन इक्वल टू जीरो ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਇਮੇਜ जीरो है सो ए माइनस बी ਕਿਸ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ बेटा ਕਰਨਲ ਐਫ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਈ ਪੁੱਤ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਸੀ ਆਰ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਆਰ ਓਕੇ ਏ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਕਰਨਲ ਆਫ ਐਫ मैंने की प्रूव करना है आर ए बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ ओके मैं प्रूव करना बेटा आर ए बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ बेटा एक दसो आर ए कदों बिलोंग करेगा कर्नल एफ च जे मैं यह प्रूव करना इस जिहड़ी इमेज है वह किस दे इक्वल है पुत्र जीरो जे मैं शो करता इस जिहड़ी इमेज है बेटा वह किस दे इक्वल है बेटा जीरो सो एफ R A, because F की है ring homomorphism, so according to definition, F R F A, F A किस चीज़ बिलोंग कर रहा है kernel F, so image की होगी zero, so this one zero, जिस दी image zero है, ता R A किस चीज़ बिलोंग कर गया kernel F, similarly A R B किस चीज़ बिलोंग कर गया kernel F, so both condition is true, so आप क्या बोलेंगे kernel F की है बेटा an ideal of R ओके नेक्स्ट बेटा थर्ड थ्योरम थ्योरम थर्ड बेटा लेट एफ आर टू आर डैश इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म ओके बेटा रिंग होमोमॉर्फिज्म देन एफ इज वन 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 देन कर्नल एफ इज इक्वल टू जीरो स्पेस बेटा प्रूव करना सो फर्स्ट लेट एफ की रख ले बेटा इज वन वन टू प्रूव कर्नल एफ इक्वल टू जीरो स्पेस लेट मैं एक एक्स एलिमेंट रख लिया केस चेक कर्नल एफ मैं प्रूव करना एक्स की दे इक्वल है बेटा जीरो सो एक्स बिलोंग्स टू कर्नल एफ सो इस दी इमेज की होगी बेटा जीरो यू नो एफ जीरो की दे इक्वल सी पुत्र जीरो एफ की है वन वन सो एक्स इक्वल टू जीरो पता ना बेटा वन वन की डेफिनेशन एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू जे एक्स वन इक्वल टू एक्स टू है एफ वन वन देन एक्स वन इक्वल टू एक्स टू सो एफ इज वन वन एक्स इक्वल टू जीरो सो कर्नल एफ किस दे इक्वल आ गया बेटा आप लवे जीरो स्पेस कन्वर्सली कर्नल एफ इक्वल टू जीरो स्पेस टू प्रूव की प्रूव करना एफ नू वन वन लेट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू ओके मेरा टारगेट क्या है बेटा एक्स वन इक्वल टू एक्स टू सो वी राइट एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू इक्वल टू जीरो ओके सो एफ एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू जीरो सो जी इसकी इमेज जीरो दे इक्वल है सो एक्स वन माइनस एक्स टू किस च बिलोंग कर गया कर्नल एफ दे विच सिर्फ केड़ा एलिमेंट है ओनली बेटा जीरो सो एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू जीरो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू सो एफ की हो गया बेटा आप लवे वन वन ओके बेटा नेक्स्ट थ्योरम बेटा थ्योरम नंबर फोर थ्योरम नंबर फोर बेटा लेट आर
लेट आर बी ए रिंग एंड आई इज एन आइडियल, आइडियल ऑफ आर, आई क्या बेटा, आइडियल ऑफ आर, देन एफ आर टू आर पॉन आई कोशेंट रिंग डिफाइंड बाय एफ आर इक्वल टू आर प्लस आई इज ए रिंग एपिमॉर्फिज्म। बेटा एपिमॉर्फिज्म किया सी होमोमॉर्फिज्म एंड ऑन टू विथ कर्नल एफ इक्वल टू वन। कर्नल एफ इक्वल टू बेटा, कर्नल एफ इक्वल टू आई। सो बेटा अपने प्रूफ कर, प्रूफ बेटा अपने की प्रूफ करना है, अपने की दिता है एफ आर टू क्वेश्चन इन आर पॉन आई डिफाइंड बाय एफ आर इक्वल टू आर प्लस वन। एपिमोर्फिज्म मीन्स होमोमोर्फिज्म एंड ऑन टू बेटा। ओके फर्स्ट वी प्रूव होमोमोर्फिज्म। ओके बेटा होमोमोर्फिज्म दी बेटा की सी बेटा होमोमोर्फिज्म दी डेफिनेशन एफ ए प्लस बी एफ आर टू आर डैश इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी सेकेंड एफ ए बी इक्वल टू एफ एफ बी ए बी बिलोंग्स टू आर। सो आर वन आर टू बिलोंग्स टू आर। ओके we write r1 plus r2 plus i by definition of a ring quotient ring r1 plus i r2 plus i। so beta r1 plus i this one equal to f r1 plus f r2 next product r1 r2 write r1 r2 plus i again definition of ring sorry quotient ring r1 plus i r2 plus i this one equal to fr1 fr2। so f ki ho gaya putta pehle ve homomorphism clearly on to because beta ki si on to the definition each element of y make pari image with some element of x clearly dekho r प्लस आई बिलोंग्स टू आर कौन आई आर बिलोंग्स टू आर। सो ईच एलिमेंट ऑफ आर कौन आई मेक सम प्री इमेज विद सम एलिमेंट ऑफ आर। ओके सो बेटा वी से क्लियरली एफ की है बेटा ऑन टू। नेक्स्ट कर्नल एफ, कर्नल एफ बेटा, कर्नल एफ की डेफिनेशन की है बेटा ठीक है आर सच दैट एफ आर इक्वल टू जीरो। जी इमेज आ गई बेटा उसकी इमेज इस याद करो बेटा क्वेश्चन के आइडेंटिटी एलीमेंट की लिखते जीरो प्लस आई क्लीयर है ना बेटा जीरो एलीमेंट जीरो प्लस आई इन डेफिनेशन ऑफ बेटा अपने प्रूव किया क्वेश्चन रिंग। सो वी से आर सच दैट आर प्लस आई इक्वल टू जीरो प्लस आई। ओके so r such that r minus 0 belongs to i so r किस च बिलोंग कर रहा है बेटा i दे विच। so kernel f किस दे इक्वल आ गया बेटा i। so बेटा in next video we will start fundamental theorem of ring homomorphism। thank you very much बेटा।